सहारनपुर के गांव टोली के जंगल में बुधवार सुबह युवक की लाश मिली थी, जिसमें गुरुवार को एसएसआई प्रेम सिंह ने टीम के साथ मिलकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें फिरोज निवासी ग्राम कोटडी बहललपुर थाना मिर्जापुर, मुस्तफा निवासी डेरा शाकंभरी थाना मिर्जापुर, हाल निवासीगण डेरा कलसिया नहर पुल बेहट शामिल है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि युवक बार बार उनके डेरे पर आ रहा था, इसलिए उसकी पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी आज एसपी देहात सागर जैन ने दी। ये 16 अक्टूबर 2024 को थाना बेहट पर जो ग्राम टोली के ग्राम चौकीदार हैं, उन्होंने आकर एक लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद उनकी दौराने इलाज जो है मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसकी जब जाँच पड़ताल की गई तो यह पता चला कि जहाँ घटना स्थल है उससे ही 50-60 मीटर पे दूर पर एक वन गुजरों का डेरा था। ये जो मृतक व्यक्ति है वो उनके डेरों पर उन्होंने बताया कि बार बार पहुंचा था रात के समय, जिसके बाद उनके द्वारा इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर रूप से घायल हो गया एवं थोड़ी दूर जाकर उस व्यक्ति को रोड के किनारे बैठा दिया, जिसके बाद सुबह सुबह उस व्यक्ति की जो है गंभीर मरणासन अवस्था में मिलता है पुलिस को, उसके बाद दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन ये जो घटना करने वाले दो अभियुक्त हैं, ये दोनों वन गुर्जर हैं, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल को अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में मोहल्ला शिराजान, निकट शाकिर परचून वाला, धोलीखाल, थाना कुतुब शेर में एसएम तैयब नामक व्यक्ति बिना पंजीकरण एवं बिना डिग्री के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करना बताया गया। जिलाधिकारी ने शिकायत के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम का गठन किया, जिसमें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राकेश चंद्रा एवं जिला क्षय रोग अधिकारी सर्वेश सिंह शामिल थे। सहारनपुर के हकीकत नगर चौक स्थित धरना स्थल पर भाकियू नई क्रांति के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते नशे के विरुद्ध धरना दिया। भाकियू नई क्रांति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली व मुफ्ती अब्दुल कयूम ने कहा कि जिस प्रकार देश प्रदेश में नशा फैल रहा है, जिसके कारण नौजवान लड़के नशे से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अगर नशे का कारोबार बंद नहीं हुआ तो भाकियू नई क्रांति के कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान मौलाना हारिश, मुफ्ती गुल सनोवा, रिहाना खान, चांद अंसारी, हारून अंसारी, वाजिद अंसारी, भूरा भाई मौजूद रहे। मेन मुद्दा रहा नशे का, तो नशा इतना इस प्रदेश और देश में इतना फैल चुका है कि नौजवान युवा पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो गई है। यहाँ का प्रशासन शासन, और मैं पुलिस को मानता हूँ, सबसे बड़ा पुलिस इसमें गुनहगार है, क्योंकि हल्के में नशा बिक रहा है। डिवीजन अफसर को पता होता है, बीट कांस्टेबल को पता होता है, चौकी इंचार्ज को पता होता है, थाना इंस्पेक्टर को पता होता है, लेकिन वो मंथलियों पे उन पर कारोबार चल रहा है। अगर पुलिस चाहे तो एक घंटे में पूरे ज़िले का नशा बंद कर सकती है, लेकिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर नशा बंद नहीं हुआ, भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरे ज़िले के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी और चक्का जाम करेगी, चौकी और थानों का धरना घिराव करेगी। सहारनपुर में नगरायुक्त संजय चौहान ने वार्ड नंबर 5 सड़क दूधली में ग्रीन लैंड कॉम्प्लेक्स अंतर्गत आरसीसी नाला निर्माण का प्रस्ताव 15वें वित्तकीय बैठक में रखने के निर्देश निर्माण विभाग को दिए हैं। उक्त नाला निर्माण का करीब 27 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है। नगरायुक्त ने देहरादून रोड व गंगोह रोड के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी की समस्या के समाधान तथा नालों के निर्माण के संबंध में अधिशासी अभियंता निर्माण को सवेकर आगणन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। प्लांट का इंफ्रा कंप्लीट रेडी कर लिया है, पिछले 10 महीने में अंदर प्लांट सिविल वर्क का सब कंप्लीट कर लिया है। प्राइवेट पार्टनर या टेक्निकल पार्टनर एंगेज करने के लिए हमने बीटीसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उनका ड्राफ्ट लिया था, प्रेजेंटेशन मैंने दे दिया है, उनको नेसेसरी क्लियरेंसेस दे दिए गए हैं। अब उनके पास 6 मंथ का टाइम है, जिसके अंदर वो अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करके
तेजी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ हम आज का ही नहीं सोच रहे, 350 टन हमारे कचरे का जनरेशन है, लेकिन हम 600 TPD का प्लांट लगा रहे हैं। इस 600 TPD का इसलिए लगा रहे हैं।